लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक नया पीसी बिल्ड करने वाले हैं वर्थ 2.84 लाख का। एग्जैक्टली कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स कुछ इस प्रकार की थी कि ही वांटेड टू प्ले वॉर जोन एट अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन, दैट इज 2K, आई मीन टू से 1440p पे खेलना चाहते थे, और साथ ही साथ उनको थोड़ा सा FPS में भी अपग्रेड चाहिए था इन वॉर जोन। लाइक ही वांटेड टू गेट लाइक 280 और अराउंड 270-275 FPS इन वॉर जोन। तो बेसिकली हम लोगों ने जो बात करने के बाद आफ्टर वी केम आउट टू एन कंक्लूजन कि ये बेसिक पार्ट्स होने चाहिए इफ़ यू वांट टू हैव अराउंड 270 और 275 FPS इन वॉरजोन। सो इस बिल्ड के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, सारे पीसी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाई वी हैव चूजन द एग्जैक्ट पार्ट्स फॉर दिस बिल्ड, और हमने इस बिल्ड का नाम रखा है 8-in-1। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स चेक इट आउट। सो बात करते हैं पहले पीसी पार्ट के बारे में, जो कि हमारा मेन मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अवर प्रोसेसर। तो हमने इसमें चूज किया है राइजन 9 7950X AMD AM5 कंपैटिबल प्रोसेसर। आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स दैट यू कैन फाइंड राइट नाउ इन द मार्केट। और इस प्रोसेसर की खासियत ये है कि ये बेसिकली वॉर जोन के साथ, मीन्स AMD का पता नहीं क्या है, AMD का कुछ ऐसा रिलेशन है कि जब भी आप वॉर जोन आप AMD कंपैटिबल कार्ड्स या AMD प्रोसेसर्स पे खेलेंगे तो आपको अलग ही जन्नत का नज़ारा दिखता है। मतलब मैक्सिमम मुझे 300 FPS भी मिले हैं एट बैलेंस सेटिंग्स। तो दिस प्रोसेसर हैज़ 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स, 170 TDP पे आता है, और इसमें आपको बेस क्लॉक आपकी 4.5 GHz तक मिल जाती है एंड द बूस्ट क्लॉक कैन गो अप टू 5.7 GHz। मैंने इसे ट्वीक भी किया है बाय प्रिसिजन बूस्ट ओवरड्राइव, और इस पीसी को ट्वीक करने के बाद आई वॉज एबल टू गेट लाइक 290-295 FPS इन वॉर जोन इन गेम। तो हर तरह से खेलने के मायने में ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, एंड आई वुड रिकमेंड दिस प्रोसेसर टू ईच एंड एवरी गेमर हु इज़ प्लेइंग कॉम्पिटेटिव गेमिंग राइट नाउ। ये कॉम्पिटेटिव गेमिंग के लिए एक बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, और इस प्रोसेसर की कीमत है ओनली 52,000। बट अगर आप हमारे यहाँ से Eqrix से लेते हैं, सो विल बी गेटिंग अ स्पेशल डिस्काउंट दैट You can get the processor at only 51,000 rupees. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्पोनेंट के बारे में, जो कि है मदरबोर्ड। तो एज वी हैड 7950X AMD के प्रोसेसर को हमने यूज़ किया, दैट इज़ अ AM5 कंपैटिबल। तो AM5 कंपैटिबल मदरबोर्ड भी हमें चूज़ करना पड़ेगा उसकी जगह पे। तो हमने चूज़ किया है ASUS ROG Strix B650EF Gaming Wi-Fi। आई थिंक सो AMD के मामले में हमने काफ़ी एक्सपेंसिव जाने की नहीं कोशिश करी, बिकॉज वी ओनली नीडेड कंपैटिबल मदरबोर्ड विच इज़ एटलीस्ट हम उसमें ओवरक्लॉकिंग कर सकें, मतलब थोड़ी बहुत ट्वीकिंग कर सकें। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि हर मदरबोर्ड में आप ट्वीकिंग नहीं कर सकते, आई मीन टू से हर मदरबोर्ड में आप ओवरक्लॉकिंग फीचर नहीं ला सकते हैं, अदरवाइज आपका प्रोसेसर चल सकता है। और इस मदरबोर्ड में आपको सफिशियंट रैम स्लॉट्स मिल जाएंगे, प्लस USB 3.2 से लेकर के 3.0 USB पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपको एक HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट, एंड आई थिंक सो सब कुछ इंक्लूडेड है इस मदरबोर्ड में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड्स दैट यू कैन फाइंड इन द मार्केट राइट नाउ। सो इस मदरबोर्ड की प्राइस है एग्जैक्ट 29,460 rupees, और अगर आप Eqrix से लेते हैं तो यू विल बी गेटिंग special discount that you can get this motherboard at 28,460 rupees only. Next है हमारी storage जिसमें हमने use की है KC3000 PCIe 4.0, I mean to say Gen 4 2TB SSD, जो कि 7000 RPM पे work करती है, and its original price is 12,000, but अगर आप Eqrix से लेते हैं तो you'll be getting a special discount only at 11,000 rupees. और अगला है हमारा memory का section, तो हमने इसमें choose करी है Kingston Fury की DDR5 RAM, जो कि 6400 MHz पे है, और हमने इसे 32 GB इसलिए रखा क्योंकि nowadays जितने भी गेम्स आते हैं, whether you talk about AAA titles or whether you talk about competitive gaming, उन सभी में at least
16 to 32 gigs ज़रूरी है, क्योंकि I can give you a best example. अगर आप Hogwarts Legacy जैसे गेम को ले लें, तो Hogwarts Legacy को खेलते समय एटलीस्ट when you have RTX on, when you have everything on high and when you are playing that game, तो उस समय आपको एटलीस्ट 20 GB का यूसेज मिलता है जब आप अपनी RAM को यूज़ करते हैं. सो हमने पहले से ये सोच रखा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंपैटिबल RAM लगाएं, तो DDR5 RAM was the compatible one which we found out, और उसमें हमने 32 gigs ऑफ RAM इंस्टॉल करी है. तो इस RAM की कीमत आपको नॉर्मल मार्केट में इट्स 14,870 रुपीस, बट इफ़ यू गेट इट फ्रॉम EQRAG देन यू विल बी गेटिंग अ स्पेशल डिस्काउंट एंड यू कैन गेट इट एट 13,870 रुपीस ओनली. सो अब हम बात करेंगे पावर सप्लाई के बारे में, जो जिसमें हमने चूज़ करी है थर्मल टेक की 1000 वॉट की पावर सप्लाई, जो कि फुली मॉड्यूलर है. बहुत ज़रूरी था कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइक 150 वॉट्स, लाइक नॉर्मली इट कैन गो विद 850 वॉट्स, बट हमने 150 और 250 वॉट्स एक्स्ट्रा लेकर के इसको चूज़ किया, जस्ट बिकॉज हमें बहुत ज़रूरत थी कि हम जब ट्वीक करें तो हमें उतना पावर कंजम्पशन मिले. और इस पावर सप्लाई की कीमत है ओनली 10,000 रुपीज़. अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द ग्राफिक्स कार्ड पावरिंग दिस पीसी. सो वी हैव चूज़न द RTX 4080, जिसमें आपको डेडिकेटेड रे ट्रेसिंग कोर्स मिल जाएंगे, डेडिकेटेड टेंसिन कोर्स मिल जाएंगे, AI ट्रैकिंग मिल जाएगी, आपको 16 gigs of RAM मिल जाएगी. और ये इतना ताकतवर कार्ड है कि आपको इन दोनों रेजोल्यूशंस पे 1440p रेजोल्यूशन एंड इफ यू टॉक अबाउट 4K एज वेल, इन दोनों पे आपको काफी अच्छी फ्रेम रेट्स पे गेमिंग करा सकता है. और इसकी करंट मार्केट प्राइस है 107,500 एंड इफ यू गेट इट फ्रॉम EQRAG यू कैन गेट इट एट 1,65,000 रुपीज. तो अब हम बात करेंगे AIU के बारे में, आई मीन टू से अबाउट द CPU कूलर, द लिक्विड कूलर दैट वी हैव यूज. सो वी हैव चूजन द Corsair H170i Elite LCD, which is I think so 360mm के इसमें फैंस हैं. इट हैज़ अ ह्यूज रेडिएटर और आई थिंक सो बहुत अच्छे टेम्प्स मेंटेन करता है. जब मैं वॉर्जोन खेलता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज टू गेट लाइक इट स्पाइक्स, थोड़ा बहुत स्पाइक करता है, बट नॉर्मली 55, 57, 58 के ऊपर नहीं जाता है. सो इट्स अ वेरी गुड, आई वुड से आई वुड रिकमेंड दिस लिक्विड कूलर. और इसकी करंट प्राइस है 24,460 रुपीज, बट अगर आप EQRAG से लेते हैं यू कैन गेट इट एट ओनली 24,000 रुपीज. तो अब बारी है थोड़ा सा पीसी को लुक देने की, थोड़ा सा अच्छा डिजाइन करने की. तो उसके लिए हमने चूज किए हैं लियानली के SL Infinity 120 के फैंस, जो कि आई थिंक सो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट RGB फैंस दैट यू कैन फाइंड इन द मार्केट. और हर एक पैक की कीमत है 7600 रुपीज एंड इफ यू गेट इट फ्रॉम EQRAG यू कैन गेट इट एट 7500 रुपीज ओनली. और इसमें हमने चूज किया है फैंटेक्स का NV7 कैबिनेट, जो कि एक प्रीमियर टावर क्लेस है जो कि टेम्पर ग्लास के साथ आता है, बट इस कैबिनेट की बात कुछ और है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम कैबिनेट्स दैट यू कैन फाइंड इन द मार्केट. और इसकी कीमत है ओनली 19,000 रुपीज. तो ये था हमारा पहला पीसी बिल्ड. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये पीसी बिल्ड कैसा लगा. और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसे ही पीसी बिल्ड हो, या इफ यू आर प्लानिंग टू गेट अ पीसी और अ गेमिंग पीसी और एडिटिंग पीसी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट +917080100206. आई एम गोना रिपीट इट, +917080100206. दिस वायर प्रेस्टीज. पीस आउट.